हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित हूं। मैं चैनल प्रोटेक्ट पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं ये बोट ब्रांड का यहां पर मैंने लाया हूं एयरपोर्ट 381। तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें ताकि आप ये प्रोडक्ट बाय करने से पहले आप भी इसके बारे में अच्छी तरह जान सकें, इसकी साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी वगैरह के बारे में, बाकी इसमें क्या क्या फंक्शंस है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल नए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लेता कि आपको उस टाइम नए नए वीडियोज के अपडेट्स मिलते रहे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बोट का एयर डॉप्स आपको मिल जाता है, मॉडल नंबर 381 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आप लुक देख सकते हैं ईयरबड्स के, इस तरह का यहाँ पर आपको दिया हुआ है और इसमें आपको इंप्रेसिव साउंड मिल जाता है और साथ ही यहाँ पर ASAP का चार्ज फंक्शन मिलता है। तो ये अच्छी बात है यहाँ पर इस ईयरबड की है और बाकी IWP टेक्नोलॉजी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर वन टच वॉइस असिस्टेंट आपको मिल जाता है और साथ ही पीछे की तरफ आपको देखने को मिल जाता है 20 हावर्स टोटल प्लेबैक टाइम है 4 आवर्स पर चार्जिंग पे और इजी टच कंट्रोल मिल जाता है और साथ ही एर्गोनॉमिक डिज़ाइन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है और IP5 स्वेप्ट एंड वाटर असिस्टेंट आपको मिल जाता है, मतलब पानी के छींटे वगैरह से और पसीना वगैरह से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ईयरबड्स पे कुछ। और बाकी यहाँ पर 5 मिनट्स अगर आप इसे चार्ज करते हैं तो आप 1 घंटे तक ईयरबड को यूज़ कर सकते हैं 60 मिनट्स तक। तो ASAP का ये फंक्शन अच्छा मिल जाता है, मतलब 5 मिनट आप चार्ज करेंगे तो 1 घंटा यूज़ कर सकते हैं। और बाकी इसके अंदर पैकेज कंटेंट में क्या क्या दिया हो वो सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं ओपन करके बॉक्स को। तो बिना देर के चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको 1 ईयर का वारंटी कार्ड मिल जाता है जिसे आप वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और साथ ही एक आपको मैनुअल मिल जाता है FAQ का, जो आपके क्वेश्चंस वगैरह होते हैं जैसे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो वो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको एक कैटलॉग मिल जाता है जिसमें आपको बोट के सारे प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे, इसे टच कंट्रोल्स क्या काम करते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस मैनुअल में आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बर्ड्स मिल जाते हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको गुम हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक केबल मिल जाता है साइड टाइप सी में, इससे आप अपने ईयरबड्स को चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनली आप इसे देख सकते हैं। तो इस तरह का लुक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ईयरबड्स का, तो एक बढ़िया लुक यहाँ पर आपको प्रोवाइड करता है ये। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाता है बॉक्स का, इस तरह का यहाँ पर आपको इसका लुक देखने को मिल जाता है। और इसे ओपन करते ही ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है ईयरबड, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी अगर आपने कनेक्ट किया अपने मोबाइल से तो बॉक्स ओपन करते ही ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है ये ईयरबड जाता है, बंद करते ही यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाता है। और बाकी नीचे की तरफ यहाँ पर आपको टाइप सी यहाँ पर मिल जाता है चार्जिंग के लिए दिया गया है। तो अगर ईयरबड की मटेरियल क्वालिटी की बात करें तो अच्छा यहाँ पर मटेरियल क्वालिटी मिल जाता है, हार्ड क्वालिटी का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इसका मटेरियल क्वालिटी। और मतलब यहाँ पर आप देख ही सकते हैं यहाँ पर कितने कवर के साथ यहाँ पर ईयरबड को रखा गया है और इसके आजू बाजू में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मतलब प्रोटेक्शन के जैसा बनाया हुआ है। एक हार्ड क्वालिटी का प्लास्टिक का यूज़ करके इसे बनाया गया है, तो अगर गिरता वगैरह है तो कोई ज़्यादा असर नहीं होगा ईयरबड्स पर, आपके ईयरबड्स सेफ रहेंगे। तो इसकी अगर बैटरी की बात करें तो इसके अंदर आपको ASAP का चार्ज मिल जाता है, मतलब 5 मिनट चार्ज करते हैं तो 1 घंटा आप यूज़ कर सकते हैं और टोटल प्लेबैक टाइम यहाँ पर 20 आवर्स तक आप इजीली यूज़ कर सकते हैं इसे। तो ईयरबड का क्वालिटी यहाँ पर बहुत अच्छा मिल जाता है, लुक भी अच्छा प्रोवाइड करता है ये ईयरबड। तो अगर बॉक्स वेट की यहाँ पर बात करें तो ज़्यादा यहाँ पर वेट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर लगभग आपको खाली 39 ग्राम तक का इसका वेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इजीली आप कहीं पर भी कैरी करके ले जा सकते हैं। और अगर इसके ईयरबड्स की बात करें तो यहाँ पर आप इसके ईयरबड्स को देख सकते हैं जो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर लुक प्रोवाइड करते हैं और इस तरह के यहाँ पर लुक आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोनों पर ही बोट की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है, तो इसे कितना पतला करके बनाया गया है जो आपके ईयर्स में एकदम इजीली जाकर बैठ जाते हैं, तो जल्दी निकलने का डर तो नहीं रहता। तो इसकी डिज़ाइनिंग यहाँ पर बढ़िया की गई है। तो यहाँ पर अगर हम इसे लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा, अभी ऑन है, जब आप बॉक्स ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाता है, तो अभी ये ऑफ हो गया। तो अगर मैं इसकी साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया, इसका साउंड क्वालिटी तो इसका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा मिल जाता है यहाँ पर, बहुत अच्छा लाउड साउंड यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन बेस क्वालिटी थोड़ा सा कम मतलब मिलता है बाकी ईयरबड से, एकदम डीप नहीं है, मतलब अच्छा खासा बेस यहाँ पर मिल जाता है। तो बेस और साउंड का दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। और बाकी इसके टच कंट्रोल्स की अगर बात करें तो अभी मैं इसे अपने मोबाइल को कनेक्ट करता हूँ और इसके टच कंट्रोल्स की बात कर लेते हैं। तो फुल्ली सेंसर टच है तो अभी हम इसे टच कंट्रोल को भी देख लेते हैं। तो अभी मैं अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं सिंगल टैप करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह यहाँ पर पॉज हो जाता है और प्ले भी आप सिंगल टैप पे कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप डबल टैप करते हैं तो आप सॉन्ग को प्रीवियस सॉन्ग और नेक्स्ट सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं। तो अगर मैं राइट वाले को डबल टैप करता हूँ तो यहाँ पर नेक्स्ट सॉन्ग आप प्ले कर सकते हैं, इस तरह यहाँ पर नेक्स्ट सॉन्ग आप प्ले कर सकते हैं। और बाकी अगर मैं प्रीवियस वाले को लेफ्ट वाले को प्रेस करता हूँ तो प्रीवियस सॉन्ग को आप प्ले कर सकते हैं, इस तरह देख सकते हैं, इस तरह यहाँ पर आप सॉन्ग को चेंज कर सकते हैं डबल टैप पे से। उसके अलावा अगर आपको वॉइस असिस्टेंट वगैरह ऑन करना है तो यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा 2 सेकंड, तो यहाँ पर आपको वॉइस असिस्टेंट ओपन हो जाता है।
बाकी ईयरबड में आप वॉल्यूम को नहीं बढ़ा सकते, इसका वॉल्यूम आप अपने डिवाइस से ही बढ़ा सकते हैं मोबाइल वगैरह से, तो वॉल्यूम का फंक्शन इसके अंदर आपको नहीं मिलता है। बाकी सिंगल टैप पर आप कॉल पिकअप कर सकते हैं और डबल टैप करने से आप कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के यहाँ पर इसके फंक्शन काम करते हैं। तो ओवरऑल अगर इसकी बात करें तो बहुत ही बढ़िया ईयरबड यहाँ पर आपको मिल जाता है। बाकी प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपको मिल जाता है और साउंड क्वालिटी बेस क्वालिटी तो अच्छा इसका मिल ही जाता है आपको। बाकी कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पर एकदम स्मूथली काम करते हैं टच इसके, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर आपको बार बार टैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम स्मूथली वर्क करते हैं। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने की। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।